सलमान खान की 400 करोड़ी मेगा फिल्म को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। हाल ही में सलमान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। सिर्फ एक पोस्ट के जरिए सलमान ने ये बताया था कि वो साजिद नाडियाडवाला और एआर मुरुगादास के साथ आ रहे हैं। ना कोई कहानी, ना कोई नाम, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन अब इस फिल्म पर पहली बार कोई बड़ी जानकारी हाथ लगी है, वो भी डायरेक्टर की तरफ से। जी हाँ, एआर मुरुगादास ने बताया है कि इस फिल्म में लोगों को बिल्कुल नए सलमान खान देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में वर्ल्ड क्लास एक्शन के साथ खूब इमोशंस होंगे और आखिर में एक सोशल मैसेज भी होने वाला है। ई टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान एआर मुरुगादास ने सलमान की फिल्म पर बोलते हुए कहा कि फिल्म में बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस के साथ ही खूब इमोशंस भी होंगे। इसके साथ ही फिल्म एक दमदार सोशल मैसेज भी देगी। ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी। इस फिल्म में दर्शकों को एक नए सलमान खान देखने को मिलेंगे। सलमान और मैंने इस प्रोजेक्ट पर करीब 5 साल पहले बातचीत की थी, मगर हालातों की वजह से हम उस वक्त इस फिल्म के साथ आगे नहीं बढ़ सके। हाल ही में सलमान ने फिल्म का एक और नरेशन मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म से अच्छी वाइब आ रही है और वो इस पर तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। बता दें कि सलमान खान, मुरुगादास और साजिद नाडियाडवाला की ये फिल्म बीते कुछ वक्त से चर्चा में बनी हुई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे किक 2 भी बताया गया, लेकिन साजिद ने ऐसी खबरों को फेक बताया। वो बात अलग है कि अब तक इस फिल्म का नाम नहीं बताया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल ईद के मौके पर इस फिल्म का टाइटल पोस्टर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म ईद 2025 पर सिनेमा घरों में उतरेगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को 400 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा है, यानी ये फिल्म साजिद, मुरुगादास और सलमान तीनों के ही करियर की सबसे महंगी फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग 2024 के आखिर तक पूरी करने की प्लानिंग है, ताकि फिल्म को ईद 2025 पर रिलीज किया जा सके। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।